नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है गैलेक्सी टीप यूट्यूब चैनल में और मैं आपका दोस्त अमित कुमार। दोस्तों, आज की वीडियो में हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करेंगे जिसमें हमारे भारत देश की नदी घाटी परियोजना के बारे में है। इस वीडियो में हम बात करेंगे, अगर भाखड़ा नांगल डैम टूट जाए तो क्या होगा। भगवान करे ऐसा ना हो, लेकिन हमारी जिज्ञासा है और परिस्थितियों को ध्यान में रखकर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। भाखड़ा नांगल बांध भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है, जिसका मुख्य उद्देश्य सिंचाई और बिजली उत्पादन है। इस बांध से जहां 1325 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है, तो वही पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के 40,000 वर्ग किलोमीटर में फैले खेतों को भी सिंचाई की जाती है। आज हम आपको भाखड़ा नांगल बांध से जुड़े तथ्य बताएंगे और साथ ही यह भी कि अगर यह बांध टूट जाए तो कितनी तबाही मच सकती है। दोस्तों, भाखड़ा नांगल बांध के निर्माण की बात करें कि तो भाखड़ा नांगल बांध का निर्माण 1948 में शुरू हुआ था और यह 1963 में पूरा हुआ। सन 1970 में यह पूरी तरह काम करने लगा था। भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 22 अक्टूबर 1963 को इस बांध का उद्घाटन किया था और इसे देश का नया मंदिर बताया गया था। इसकी स्थिति हम जाने तो भाखड़ा और नांगल बांध असल में दो अलग अलग बांध हैं, पर एक ही परियोजना का हिस्सा है। यह दोनों डैम भारत में पंजाब और हिमाचल प्रदेश के बॉर्डर पर बने हुए हैं। भाखड़ा डैम हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में भाखड़ा गांव में सतलुज नदी पर बनाया गया था और नांगल डैम इससे तकरीबन 10 किलोमीटर दूर पंजाब के नांगल में बनाया गया था। दोस्तों, नांगल डैम का कारण ये था कि भाखड़ा डैम नांगल डैम से ऊंचाई पर बना है और इसका सारा पानी नांगल डैम से होते हुए ही जाता है। नांगल डैम भाखड़ा डैम से आने वाले तेज बहाव को कम करता है और किसी कारण भाखड़ा डैम को कोई नुकसान पहुंच जाए तो नांगल डैम पानी के भंडार को रोक सकता है और नुकसान से बचा सकता है। दोस्तों, भाखड़ा नांगल डैम की ऊंचाई की बात करें तो भाखड़ा डैम 226 मीटर ऊंचा है और इसकी दीवारें की लंबाई 520 मीटर और दीवार की मोटाई 9.1 मीटर यानी कि 30 फुट है। यह टिहरी डैम के बाद भारत का दूसरा सबसे ऊंचा डैम है। दोस्तों, इसके ऊपर लगी हुई लागत की बात करें तो बांध को बनाने के लिए उस समय 245 करोड़ 28 लाख रुपए का खर्च आया था। इसके इर्द गिर्द इतना कंक्रीट लगा था कि संसार की सभी सड़कों को दोबारा बनाया जा सकता है। दोस्तों, गोविंद सागर झील से भाखड़ा डैम की बात की जाए तो भाखड़ा डैम जिस झील के पानी को रोक कर रखता है उसे गोविंद सागर झील कहते हैं। ये नाम सिखों के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी के नाम पर रखा गया है। ये झील 168.35 किलोमीटर स्क्वायर के क्षेत्र में फैली हुई है, जिसमें 9.340 घन किलोमीटर पानी होता है। इस झील को बनाने के लिए 341 गाँवों के लोगों को विस्थापित किया गया था। भाखड़ा बांध राजस्थान, पंजाब और हरियाणा की संयुक्त परियोजना है। इसमें राजस्थान की हिस्सेदारी 15.2% है। राजस्थान को इंदिरा गांधी नहर द्वारा भाखड़ा बांध को पानी पहुंचाया जाता है। भाखड़ा बांध बहुत ही खूबसूरत जगह है जो कई सैलानियों को अपनी ओर खींचता है, पर साल 2009 में सुरक्षा कारणों के चलते इस डैम पर आम लोगों को घूमने पर रोक लगा दी गई थी। दोस्तों, अब मुख्य तथ्य की बात की जाए, अगर भाखड़ा नांगल डैम किसी कारण से टूट जाए तो क्या होगा। वैसे तो दोनों बांधों को इतना मजबूत बनाया गया है कि यह कभी नहीं टूट सकते। अगर एक डैम किसी कारण टूट जाए तो दूसरा भी नुकसान से बचा सकता है, पर दोनों डैम के टूट जाने से भयंकर तबाही मच सकती है। दोनों बांधों के टूट जाने से हरियाणा, पंजाब के कई निचले इलाकों में पानी भर सकता है। अगर पानी का बहुत तेज हुआ तो ये आधे पंजाब, हरियाणा समेत पाकिस्तान के बड़े हिस्सों को भी बहा देगा और लाखों लोग मारे जाएंगे। इसके सिवाय बिजली की तो किल्लत होगी, वो अलग, सालों तक प्रभावित भूमि पर खेती नहीं की जा सकेगी। ऐसे विनाश के बारे में सोचते ही डर लगता है, इसलिए भगवान से प्रार्थना करें कि कभी भी इस बांध को कोई नुकसान ना हो। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आज की वीडियो को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें और इस वीडियो से संबंधित कोई भी राय और सुझाव आपके मन में है तो उसको कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। और अभी तक अपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और उसके बगल में एक नोटिफिकेशन बेल होता है उसे भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों,
तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।